तो इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग जेपी पावर लिमिटेड के बारे में। जैसे कि देखिए स्टॉक आज का डेट में क्या है, 20 रुपये में पहुंच गया है। तो आगे अभी देखिए क्या करना है और क्वार्टर टू का रिजल्ट कब आने वाला है, ये सब अभी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए जैसे कि कंपनी का अगर फंडामेंटल थोड़ा सा बात करें हम लोग, तो नाम से पता चल जा रहा है कि कंपनी काम करती है पावर सेक्टर में है कंपनी, जो कि फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है पावर सेक्टर। सबको पता है कि फ्यूचर में ओनली मतलब पावर वगैरह को ही लेके सब काम होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप है 13,714 करोड़, मतलब मोटा मोटी वही आपका मिड कैप वाला स्टॉक है। तो करंट प्राइस भी देख सकते हैं आप 20 रुपया है। अगर 52 एक हाई एंड लो का बात किया जाए शेयर का, तो देखिए 8 रुपये का शेयर साल भर में जो है आपका 24 रुपया गया था, मतलब कितना हो गया कम पैसा आपका यहाँ पे 3x पैसा जो है 8 या 24, मतलब आपको 3 गुना यहाँ पे कंपनी ने पैसा करके साल भर के अंदर 1 ईयर में रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दे दिया है। उसके बाद भी अभी देख सकते हैं कि स्टॉक का पी कितना चल रहा है 8.5 रुपया, जबकि हम लोग पी कितना का बात करते हैं 20 का 25 का पी का बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टॉक को ऐड करते हैं। लेकिन अभी कंपनी का पी यहाँ पे कितना चल रहा है 8.5, जो कि मतलब सोचने वाली बात है कि इतना भागने के बाद भी साल भर में कंपनी का मतलब 3x रिटर्न देने के बाद भी जो है आज का डेट में कंपनी जो है मतलब वैल्यूएशन जो है सस्ता है कंपनी का। तो कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जाए तो यहाँ पे भी इस स्टॉक को जो है हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 8.5 का पी है और यहाँ पे अगर 24 भी जाता है तो भी यहाँ से आपका जो है पैसा फिर से 3 गुना होने का क्षमता अपना कंपनी यहाँ पे रखता है। तो देखिए अगर नीचे हम लोग ROC ROE का बात करें यहाँ पे देख सकते हैं जो कि अच्छा है, 15% का बात करते हैं लेकिन 15 के लगभग है तो ठीक है, यहाँ पे अच्छा है। कंपनी छोटा है मतलब मिड कैप बोल सकते हैं, कंपनी मिड कैप कंपनी है तो आगे आने वाले दिनों में जो है बहुत ग्रोथ करेगा, ग्रोथ का फिर मतलब इसके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। फेस वैल्यू का बात करें तो भी कंपनी के पास 10 रुपये का फेस वैल्यू, आगे आने वाले दिनों में कंपनी जो है आपका बोनस या स्प्लिट जो है जैसे जैसे शेयर का प्राइस हो जाएगा 500-400, तो उस कंडीशन में क्या है कंपनी आपको जो है बोनस इशू यहाँ पे करेगा या तो स्प्लिट करेगा। अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्वार्टर का रिजल्ट देख लेते हैं, देखिए जैसे कंपनी का अभी देखिए क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है उसका भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिसेंट क्वार्टर का हम लोग बात करें तो ठीक है, कंपनी का ऑलमोस्ट देखा जाए सेल तो बढ़ ही रहा है। अगर नेट प्रॉफिट का बात करें तो देखिए प्रॉफिट भी यहाँ पे कंपनी का पहले नेगेटिव आता था, आज का डेट में देख सकते हैं 200 है ना 500 300 ये TTM है। तो ठीक है कंपनी का जो है मतलब रिजल्ट भी जो है सुधार हो रहा है कंपनी का। एक तो देखिए छोटा कंपनी है तो आगे आने वाले दिनों में जो है ग्रोथ बढ़ेगा तो कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा अच्छा आएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी का, 26 अक्टूबर को जो है आपका रिजल्ट है, तो देखिए देखने वाली चीज़ है कि क्वार्टर टू का रिजल्ट कंपनी कैसे पेश करती है। अगर शानदार है तो वहीं से कंपनी क्या है 24 का 52 एक हाई है ना तो उसको भी ब्रेकआउट करके जो है स्टॉक आपका ऊपर निकल जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है आप क्वार्टर टू का रिजल्ट कैसा आएगा कंपनी का। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग पीएल का बात करें तो पीएल भी देख लीजिए, ऐसा नहीं है पीएल भी ठीक है। देखिए साल भर साल 3,000 करोड़, 4,000, 5,000, 6,800 करोड़, तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से कंपनी का बढ़ रहा है। पहले नेगेटिव माइनस में आता था, आज के डेट में देख सकते हैं अभी कंपनी प्रॉफिट जो है जनरेट कर रहा है, वो भी मतलब अच्छा खासा ग्रोथ के साथ जनरेट कर रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट का बात करें तो बैलेंस शीट भी देख लेते हैं एक बार। रिजर्व भी जो है धीरे धीरे कंपनी का पहले 1300-1200 करोड़ का रहता था, आज के डेट में 4,500 करोड़ का रहने लग गया है, तो अच्छा है। यहाँ पे अगर कंपनी का थोड़ा सा एसेट्स भी देखने लग जाए तो देखिए एसेट्स भी जो है आपका कंपनी का ठीक ठाक है, थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा कम हुआ है, हो सकता है एसेट्स बेच के जो है कंपनी फंड वगैरह अपना राइज कर रहा होगा आगे जाने के लिए। तो ठीक है इन्वेस्टमेंट भी कंपनी के पास थोड़ा बहुत है, ये है। अगर मान लीजिए हम लोग इन्वेस्टर लिस्ट का बात करें तो ये एक बार देख लेते हैं इन्वेस्टर लिस्ट, क्योंकि ये बहुत डिपेंड करता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज़ है कि प्रोमोटर्स के पास ओनली 24% माल है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मतलब निराश करता है अपना रिटेल इन्वेस्टर को, क्योंकि 24% माल देखिए प्रोमोटर्स मतलब अगर प्रोमोटर्स के पास ज़्यादा माल रहे 50-60% तो क्या है ना थोड़ा सा कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बना रहता है, थोड़ा सा कंपनी के ऊपर जो है ट्रस्ट बना रहता है। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है प्रोमोटर्स अपना हिस्सेदारी यहाँ पे सेल करके जो है कंपनी के कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं इसीलिए जो है मतलब माल बेच रहे हैं कंपनी। लेकिन देखने वाली बात है कि यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर से देख सकते हैं कि 24 है, मतलब जो वो लोग बेचे हैं वो बहुत पहले का क्वार्टर का बेचे हुए हैं। या तो यहाँ पर अगर ईयरली का रिटर्न हम लोग देख लेते हैं तो देखा जाएगा यहाँ पे कौन से ईयर में कंपनी कम किया हुआ, देखिए वो एक्चुअली 17 से ही उन लोग का पास इतना ही 31% का ही शेयर है। ठीक है कोई बात नहीं है, अगर यहाँ पे क्वार्टरली का हम लोग जो है एक बार डेटा देख लेते हैं FIs का, देखिए FIs के पास भी आपका जो है पहले 3-4% का हिस्सेदारी रहता था, आज का देखिए 7% का। सबसे बड़ा चीज़ है DIs के पास भी देखिए अच्छा खासा मतलब यहाँ पे जो है अपना मतलब बना रखा हुआ है शेयर, ठीक है कितना 18% का, मतलब FIs के DIs के पास तो FIs के पास तो है ही है 7-7.5% का हिस्सेदारी, DIs के पास भी अच्छा खासा हिस्सेदारी बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए पब्लिक थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसीलिए कहीं ना कहीं हो सकता है शेयर में थोड़ा सा क्या है ना कि जब बुकिंग आता है मान लीजिए ऊपर से तो पब्लिक क्या करता है ना मतलब हड़बड़ा जाता है, पब्लिक इन्वेस्टर जो होता है थोड़ा सा अगर मान लीजिए 5% का एक दिन का सर्किट लग गया तो फिर ये लोग क्या हड़बड़ा के अपना शेयर ऑर्डर लगाता है तो शेयर क्या है फिर नीचे गिरता है। तो अभी मतलब भागने टाइम भी वैसे ही होता है, मान लीजिए अगर 5% भाग गया तो क्या है रिटेल इन्वेस्टर कूद जाते हैं फिर,
फिर क्या डेली मतलब ऑर्डर लगा रहता है तो सर्किट पर सर्किट, तो ये सब शेयर क्या है ना, इसीलिए थोड़ा सा सर्किट पर सर्किट चलता है, वो अपर लगे या लोअर लगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर रिटेल ज़्यादा है, तो ये लोग का क्या है, अगर गिर रहा है तो सेल में लगा देगा, अगर बढ़ रहा है तो बाय में लगा देगा। तो देखिए कंपनी का ऑल ओवर फंडामेंटल देखें तो ठीक ठाक है, कुछ बढ़िया नहीं है बहुत ज़्यादा कि कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, मिला जुला के जो है, देखिए एक्चुअली मिड कैप शेयर है ना, 13-14 हज़ार मार्केट कैप का शेयर है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो फंडामेंटल अच्छा है। अभी हम लोग आगे टेक्निकल भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी आगे हम लोग टेक्निकल देख लेते हैं, अभी हम लोग टेक्निकल चार्ट में आ गए हैं। जैसे कि देखिए कंपनी का ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, उसके बाद ये भी देखिए पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था यहाँ पे, लेकिन उसके बाद क्या है, जब शेयर ऊपर गया उसके बाद जो है ये भी अपना जो है सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये देखिए ये रेजिस्टेंस टू का काम कर रहा है, ठीक है। तो आगे समझ लेते हैं कि स्टॉक में क्या करना है। तो देखिए स्टॉक यहाँ पे जितना बार भी आया है सपोर्ट लिया है, ठीक है, और ऊपर जितना जाने कोशिश करता है यहाँ पे फिर अपना रेजिस्टेंस लेता है यहाँ पे, और अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया, 3-4 बार रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ब्रेकआउट किया और ऊपर में इस लेवल में जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे जाके फेस किया, फिर स्टॉक जो है नीचे आ गया। तो यहाँ पे देखिए ईएमए के ऊपर ही है अभी भी कैंडल, कोई दिक्कत उतना वाली बात नहीं है, आगे आ रहा है क्वार्टर टू का रिजल्ट, तो ये भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, अगर रिजल्ट बढ़िया आता है, और तब तक क्या अभी 26 अक्टूबर को ही रिजल्ट है तो ज़्यादा दिन बचे नहीं है, अगर मान लीजिए तब तक जो है कंसोलिडेट करके या थोड़ा बहुत गिर के ईएमए के पास आ भी गया, ठीक है, अगर वहाँ से अगर क्वार्टर टू का रिजल्ट बढ़िया होता है तो शेयर यहीं से ईएमए में सपोर्ट लेके फिर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर का इस लेवल के लिए आपका स्टॉक जो है निकल जाएगा, मतलब 24-25 रुपए के लिए स्टॉक अपना निकल जाएगा। और अगर यहाँ पे क्वार्टर टू का रिजल्ट खराब होता है तो कहीं ना कहीं देखिए ये तो पहला सपोर्ट है, ये स्टॉक आके जो है इस रेंज में आपका सपोर्ट लेगा, ठीक है, इसको अगर ब्रेकडाउन करेगा तो फिर नीचे का आपका जो लेवल आकर निकल के आ जाएगा वो करीब 15 रुपया, मतलब 14-15 रुपया का लेवल आपका जो है स्टॉक यहाँ पे दिखा देगा, लेकिन वो बहुत दूर का बात है, पहले क्वार्टर टू का रिजल्ट देखते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म वाले तो होल्ड करिए, कोई बच्चे प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, और बाकी बचे शॉर्ट टर्म, देखिए शॉर्ट टर्म वाला के लिए अभी अगर फ्रेश एंट्री का पूछा जाए तो क्वार्टर टू का रिजल्ट देख लेते हैं, उसे हड़बड़ाने की बात नहीं है, 26 अक्टूबर बहुत ही नज़दीक डेट है, ज़्यादा दिन बचे नहीं है, अगर रिजल्ट बढ़िया आए, अगर देखिए तब तक क्या है कि अभी शेयर चल रहा है 20 में, अगर मान लीजिए तब तक जो है शेयर आपको यहाँ 18 रुपये में 17 रुपये मिल जाए तो बढ़िया बात है ना, आपको 3-4 रुपये का प्रॉफिट यहीं पे ही मिल जाएगा 8-10% का, तो ठीक है देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मतलब एंट्री के बारे में बात करेंगे। अभी क्वार्टर टू का रिजल्ट पहले देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कंपनी का, और ऐसे देखिए ऊपर से बहुत ज़्यादा गिरा भी नहीं है शेयर, क्योंकि 24 का शेयर ओनली 20 पर चल रहा है, तो ही मोटा मोटी आपका 10-20% ही गिरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अगर रिजल्ट बढ़िया आता है ईएमए में सपोर्ट लेके, क्योंकि देखिए स्टॉक का क्या है कि आपका अगर प्रीवियस डेटा भी देखा जाए तो हर बार स्टॉक ऐसे ही कर रहा है, देखिए ईएमए में वो सपोर्ट लेके घूम जाता है, ईएमए में सपोर्ट लेके ही देखिए घूम जाता है स्टॉक, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हो सकता है कि ईएमए में सपोर्ट लेके जो है स्टॉक यहाँ से घूम जाए, और तब तक रिजल्ट भी आपका आ जाएगा, और ज़्यादा दिन बचे नहीं है तब तक यहाँ पर ईएमए को सपोर्ट लेगा, यहीं से घूम जाएगा, इसको ब्रेकआउट करेगा फिर ये लेवल आपको जो है स्टॉक दिखा देगा आने वाले दिनों में, इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर लंबा आपका टारगेट आ जाएगा 30-40 रुपये का। तो देखिए ये टोटल डिटेल्स वीडियो था जेपी पावर के बारे में, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।